गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। देखो जरा क्या हाल है। रात को उठ के स्वेटर और स्कार्फ पहना, ठंड लग रही थी मुझे। सोए सोए इतनी मेरी नाक बंद हो गई। अभी 6:30 बजे और पार्थ ने स्कूल जाना है। आज मोहित का वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं नाश्ता और लंच बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी की भुजिया, करारी करारी मस्त मस्त बनेगी। और लंच के लिए मैं बना रही हूँ काले चने। तो यहाँ पे मेरा मसाला भून रहा है, चने में भिगो के सोई थी। बस ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो सबका ब्रेकफास्ट और लंच बन जाएगा। अभी मेरा मैं अपना अलग से बनाऊंगी। अगर जीजू ने बोला तो वो भी मेरे साथ खा लेंगे। आपके जीजू मतलब मेरे मोहित। तो हम बस, आज थोड़ी ठंड लग गई रात को यार, पता नहीं क्या हुआ। आज ना मेरे को रजाइयाँ मैंने जो है निकाली हुई हैं, उनकी सिलाई करनी होती है ताकि उनका जो कवर है वो उसके अंदर हिले नहीं। तो वो मैंने दो तो कर दी थी, एक रजाई रह गई है और वो मेरे हिस्से आई है, तो अंदर इकट्ठी हो जाती है। रात को मेरे ऊपर रजाई ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे लूँ। उसके लिए मुझे ना बड़ी सुई चाहिए थी, खंदुई बोलते हैं हम पंजाबी में, जो बड़ी सुई होती है जिससे रजाई वाली सिलाई करते हैं। तो वो कल मोहित लेकर आए हैं, तो आज मैं वो तीसरी रजाई भी कर दूँगी। बाकी दो तो मैंने छोटी सुइयों से कर दी थी, बट ये थर्ड वाली थोड़ी मोटी है, मेरी शादी की रजाई है। तो उसको आज सिलूँगी ताकि कल रात को मैं आराम से ले सकूँ। नाश्ता करा दिया मैंने मम्मी पापा को और पार्थ को स्कूल भेज दिया। मोहित अभी जिम करके ही वापस आएंगे। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगी होल वीट स्टफ्ड कुलचा मोहित और मेरे लिए। तो मैंने होल वीट कुलचा बाय किया हुआ है, उसकी स्टफिंग वगैरह तैयार करके ग्रिल करेंगे टोस्टर में और चाय के साथ लेंगे। ओ जी, नाश्ते के क्लिप तो बड़े ही लंबे हो गए हैं। खैर चलो बना लेते हैं मिक्स। मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और पनीर काट के डाल लिया है। जितनी भी वेजीज हो आप सारी डाल सकते हो गाइस। और इसमें नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, चंकी चाट मसाला, सैंडविच स्प्रेड है वीबा का, थोड़ी सी मेयोनीज है, थोड़ी सी केचप है, थोड़ा सा ओरिगैनो, इटालियन सीजनिंग है, गार्लिक सीजनिंग है, काली मिर्च है। हे भगवान, क्या स्पीड लगाई है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था किचन के इतने सारे शॉट्स लंबे हो गए हैं। ये रहा मेरा होल वीट कुलचा। तो आटे का कुलचा है, मैदा नहीं है इसमें, इसलिए अच्छा है। कभी कभी खा सकते हैं, वैसे बाहर वाली चीज़ों में भरोसा नहीं होता, पता नहीं डालते क्या अंदर मैदे वाला बना के डाल दें, कलर डाल के उसको की बोल देते हैं आटा, इसलिए कभी कभी बनाती हूँ मैं ऐसी चीज़ें। तो ये मैंने इसको भर के स्टफ़ करके दो बना लिए हैं और इनको ग्रिल कर लेंगे हम और बढ़िया सा कुरकुरा सर्व करेंगे अंदर सॉफ्ट स्टफिंग के साथ। गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी वंस अगेन गाइस, कैसे हो। तो बस नाश्ता वाश्ता मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, उसके बाद किया नहीं। घर की सफाइयाँ चल रही थी और आपके जीजू का ऑफिस चल रहा है मोहित का, पार्थ गया है स्कूल। तो अभी मैं बस नहा धो के मैंने जय करी है और मुझे जाना है बैंक के काम के लिए आज बाहर। तो अपनी मम्मी को भी मिलूँगी, मासी जी को भी मिलूँगी, उनके भी कुछ काम है वो भी करवाने हैं, इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, काले चने के साथ रोटी, मम्मी और मोहित खा लेंगे।
तो मैं बैंक का काम करके आके वापस फिर आपको मिलती हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर पेमेंट्स। तो इनका ऑफिस चल रहा है। गाइस मैं मार्केट पहुँच गई हूँ पहला काम करने के लिए। बस ये वाला काम करके फिर एक जगह और जाना है और फिर मम्मी और मासी जी को मिलना है, फिर वापस मार्केट एक और काम करना है। हेलो पापा। गाइस आ गई हूँ मैं मम्मी के पास। नमस्ते जी। नमस्ते जी, की हाल है? ठीक हो? ठीक। तो गाइज मेरी माता श्री ने मुझे पहले ही बोल दिया था आ रही है तो मेरे साथ लंच करना है, देख लो जरा। मुझे इतना लेट हो गया मार्केट के काम को, 2:30 बज गए, इन्होंने खाना नहीं खाया अभी तक। गाइज आ जाओ आप भी हमारे साथ लंच करो, गर्मा गर्म मेथी आलू गाजर मटर की सब्जी, दाल मूली चटनी और रोटी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शाम के 4:30 हो गए हैं, 3:30 मम्मी के घर से गई थी मैं, 5 तो स्कूल से पिक किया और घर पे ड्रॉप किया, फिर कुछ काम जो बच गया था उसके लिए अभी फिर आई हूँ मार्केट। आज योगा क्लास मिस हो जाएगी, 5 बजे है योगा क्लास, तब तक तो मैं घर पहुँच ही नहीं पाऊँगी काम खत्म करके। सो गाइस यहाँ डिस्कशन चल रही है क्रिमिनल्स की, क्योंकि हमने अभी अभी एक सीरीज खत्म करी है खाकी। किस पे देख रहे थे हम ये? नेटफ्लिक्स पे। बहुत ही मस्त थी, बिहार के मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल की जो ट्रू स्टोरी है, कैसे उसे पकड़ा गया था उसके ऊपर। तो अभी उसका लास्ट एपिसोड देखा और काफ़ी अच्छा था। अब हम आए हैं किचन में, मैं बनाने वाली हूँ गोभी आलू और आपके जीजू पी रहे हैं पानी। और बस आज का दिन यहाँ समाप्त होने ही वाला है, जीजू ने आज कोई जोक नहीं सुनाया और मेरा व्लॉग ऐसे ही हो जाता है फुस, क्योंकि जीजू आते हैं तो 10 गुना ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है, लेकिन जीजू आते हैं कुछ सुनाते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। जल रहा है पानी, इतना गर्म कर दिया जान। क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए। अरे हाय मिक्स कर ले जो आप सुनाएं। शब्द दें हम जोक सुनाएं? नहीं नहीं, क्या मतलब शब्द दें हम जोक सुनाएंगे? तो ऐसे ही होता और क्या। नहीं हमारे पास शब्द खत्म हो गए, आपके जोक नहीं खत्म हुए। मेरे को बहुत वॉशरूम जाना है। जब तक आपके जीजू कुछ हमें सुनाएंगे, फुर्सत होगी उनके पास, तो हम आपको बता दें हमने अपनी ये वाली रजाई भी कर ली है पूरी, इसमें जगह 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 टांके लगा के इसको सेट कर दिया है, कवर के जितना फिट कर दिया है। वापस आके मैंने काम भी कर लिया, मेड सारा काम भी कर गई, तो मैंने कहा अपडेट देना तो बनता है। और ये रही मैं, आज का दिन पूरा मार्केट के काम करते हुए ही निकल गया। तो अभी बस मैं सब्जी बनाऊंगी, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा टीवी और देखेंगे और फिर सो जाएंगे। मैंने अभी जीजू को बोला, मैंने कहा आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हो ऑफिस में, कोई मस्ती नहीं करते, कुछ जोक्स नहीं सुनाते, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बेचारे बड़ा मेरा ऐसे ही व्लॉग देख के डेली रूटीन वाला बस उदास से हो जाते हैं, है ना। तो अभी आपकी जीजू से बातें करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स गोभी आलू चढ़ा दिया है मैंने, जब तक गोभी आलू पक रहा है देखते हैं कि मोहित जी हमको जोक से पकाते हैं कि हंसाते हैं, कुछ सुनाइएगा। हाँ हाँ, अभी भोजपुरी सीरीज वो देखी है ना, तो हम चढ़ा हुए मुंह पे, हम क्या कह रहे हैं। लैपटॉप ऑन हो रहा है। हाँ सुनाइए। तो एक बारी ना एक बंदा अपने दोस्त को कहता है कि आजकल ना मैं रोज दोपहर को 3 घंटे आराम करता हूँ। बढ़िया। दोस्त उसका पूछता है क्यों सो जाता है क्या 3 घंटे? कह रहा नहीं मेरी बीवी सो जाती है। मतलब इतनी देर में सब जोक बीवी पे ढूंढ के लाए हैं। अरे जोक ही वही होते हैं, हस्बैंड वाइफ पे, अब क्या करें हम। तो फिर आप खुद ही हंस लें, हम तो नहीं हंसेंगे। ये दोस्तों पे जोक था। और सुनाएं, कल तुमने मुझे एक जोक सुनाया था, कल हम व्लॉग नहीं कर रहे थे, बहुत हंसी थी मैं और मैं तुमसे नाराज थी, तो मैंने चुपचाप सुन लिया था, मन में ही हंसी थी मैं और मैंने सोचा था कि कल जब ठीक हो जाएगा तब बोलूंगी, अब सुना दो। अब ऐसा करेंगे, हमारा पासवर्ड डाल देंगे। नहीं। एक बारी एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी शराफत देखो, मैंने तुमसे बिना देखे शादी कर ली। हस्बैंड कहता है उसको शराफत नहीं कहते, उसको शराफत कहते हैं। जस्ट जो मैंने किया। करे क्या किया आपने? करे हमने तो आपको देख कर भी इनकार नहीं किया। बदतमीज हस्बैंड। शादी कर ली।
और क्या सुनाया तुम्हें? कल वाला याद करो ना, तुमने क्या सुनाया था मुझे? बहुत ही सही सुनाया था यार, बस मैं बोलते बोलते रह गई तुम्हें कि ये कल याद रखना। वैसे अभी सिर्फ जोक सुन रही हूँ, ये वीडियो बंद होने के बाद वापस नाराज हूँ। तो एक बारी क्या होता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है 2 किलोमीटर ले लूं। कह रहा है यार मेरे को तंग मत करो, काम कर रहा हूँ। ये तुम सुना चुके हो। क्या बताओ? कि छीलेगा कौन है? कि मुझे छीलने, इसलिए मैंने बोला नहीं इतना ही हो गया। अंडा तो बना दिया तुमने, अब रहने दो, क्योंकि ये तुमने सुनाया है पहले। लेकिन याद तो तुम्हें भी नहीं है। खुल गया मेरा लैपटॉप। अभी क्या सुन रही हो तुम? इतना भक्त बन गए एकदम टाइप्स, क्या हो गया? अरे गुरबानी, मजा ही आ गया। मैं तो 2 घंटे हो गए मुझे लग रहा है। और कर रही हूं? चरणजीत सिंह जी लाल जी की ना, ओए ओए, उनकी आवाज इतनी मीठी है मोहित। और जो वो सुनाते हैं ना कहानियां, पता है तुम्हें, वो गुरु ग्रंथ साहब की और उसमें बीच में राम जी की, कृष्ण जी की, सब की में सिमिलैरिटीज बताते हैं। अभी लेटेस्ट तो मैं, किसी की शादी हुई है, लड़का लड़की, उसको 4 वचन बता रहे हैं वो कि सुखी जीवन के लिए। तो अभी वो वैसे बता रहे हैं कि लड़की क्या क्या धर्म होता है, कैसे करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, हाँ, पति व्रता और ये सब, लड़ाई नहीं करनी चाहिए पति से, प्रेम। मैं ना गुरबानी सुन रही हूँ, तुम अपनी शुरू मत हो जाना। अब ऐसा है, भगवान ने ना ऐसी औरतें बनाई बहुत सारी। कैसी? जो पति की बात माने, जो उनसे लड़ाई ना करें, उनकी हर कही चीज को सुने, यू नो। हाँ वो तो है ही। और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसी औरतें मैं बना के दुनिया के सारे कोनों में भेज दूंगा। और फिर उन्होंने धरती गोल बना दी। ढूंढो का है तुम्हें इनमें भी जोक सूझता है, भाई गॉड है। जोक क्या सूझता है, ये सच बात है। बताओ कौन सी लड़की होती है ऐसी जो पति से ना लड़े, उसकी बात मानती रहे हमेशा, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। क्या मतलब सारा कुछ पत्नियों नहीं करना है, पतियों का कुछ कर, धर्म नहीं है? हाँ बस यही। तो अगर तुम अपने धर्म का पालन करो, धरती गोल है बेबी, इसलिए मिलेगा। तो पत्नियां भी करेंगी, सेम गोल्स फॉर पत्नियां करेंगी तो पति भी करेंगे। झिंगलाला के चाचे, इतनी बढ़िया मेरे को आ रही थी ना चैन, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। तो उसमें से कुछ वो कथा भी सुनाते हैं, बीच बीच में शब्द भी गाते हैं, फिर कथा सुनाते हैं, और इतने अच्छे से मीनिंग बताते हैं उसका। मैं सुनता आ रहा हूँ जब ये दूरदर्शन पे आया करते थे, तब ये सरदार नहीं थे, इनकी हल्की सी मूंछें होती थी ब्लैक कलर की, सिर पे इन्होंने वो पहना होता था ऊन की टोपी। अच्छा। और वो गाते रहते थे शब्द, फिर इन्होंने धीरे धीरे केश भी बढ़ा लिया। तो इतना सुख लगता है ना इनको सुन के। ओए होए होए, ऐसे लग रहा था मुझे जैसे गुरुजी ने ही मेरे को बस इस तरफ लगाया कि ये सुन तू गुरु की बानी। जय गुरुजी। उन्होंने ये नहीं बोला आगे अमल भी कर उसके ऊपर, पति की चरण सेवा करो अभी रात को सोने। ओ कमले, ओ कमले, तेनू की पता, तो कमले तेरे मारूंगी गमले। जय गुरुजी। क्या बचाने में गुरुजी, देखना इतनी मीठी गुरबानी सुन रही थी, क्या आकर अपने जोक पुराण शुरू कर दिए इन्होंने। चलो भाई साध संगत जी, गुड नाइट, कल मिलेंगे। सब आखो श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, जय हो प्रभु जी।